हे गाइस, क्या हालचाल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे Redmi K20 Pro के अंदर आप Android 12 का GSI ROM फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास अभी Redmi K20 Pro है इंडियन वर्जन, उस पर मैं सक्सेसफुली Android 12 का जो GSI ROM है उसको फ्लैश किया। इस टाइम ROM के अंदर काफी सारे बग्स है जिसके लिए आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर आपको सिर्फ Android 12 एक्सपीरियंस करना है तभी सिर्फ आपको इसको फ्लैश करना है। अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहोगे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ROM के अंदर काफी चीज मिसिंग है दोस्तों। एक्चुअल Android 12 बीटा 1 जो पिक्सल फोन के लिए रिलीज हुआ है उनसे क्या क्या मिसिंग है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो डालते हैं और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ROM का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड करके डाल दूंगा। ROM के साथ साथ आपको मैजिक मैनेजर भी डाउनलोड करना होगा, उसका फ्लैशेबल जिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन का जो कस्टम रिकवरी है उस पर जाना है। आप किसी भी कस्टम रिकवरी यूज कर सकते हो, ऑरेंज बॉक्स हो या फिर TWRP हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। रिकवरी मोड पर आने के बाद दोस्तों मैं अभी यूज करूंगा इस फ्लैश ड्राइव का। इस पर मैं बेसिकली वो दोनों फाइल डाउनलोड करके रखा हो, आपको इस चीज की जरूरत नहीं होगा, आप फोन के अंदर भी करके रख सकते हो। अगर आपके फोन में पहले से MIUI ROM डाला हुआ है तो सबसे पहले आपको एक USB बेस्ड ROM फ्लैश करना है, लाइक पिक्सेल एक्सपीरियंस, पिक्सेल एक्सटेंडेड, एवोल्यूशन X, इन सारे ROM आप फ्लैश कर सकते हो। अभी मैं एवोल्यूशन X ROM को फ्लैश करूंगा। लेकिन अगर आपके फोन में पहले से ही AOSP ROM डाला था तो आपको जो कि फिर से फ्लैश करना नहीं पड़ेगा। Evolution X ROM हमारा फ्लैश कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, जाना है वाइप पर, देन आपको इधर से डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर और डाटा, इन सारे चीजों को सिलेक्ट करके वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद आपको ROM फाइल को सिलेक्ट करना है जिसका डाउनलोड लिंक जैसे कि मैं पहले ही बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, देन आपको स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। फ्लैश सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आपको मैजिक्स मैनेजर को भी फ्लैश करना पड़ेगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। दोनों फाइल फ्लैश करने के बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज आपको करना है, आपको जाना है मेनू पर, देन मैनेज पार्टीशन, उसके बाद डाटा को सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट डाटा करना है, इधर टाइप करना है यस। अभी आप रिबूट सिस्टम कर सकते हो। ओके, Android 12 का ROM हमारे फोन में इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। ये जो सिस्टम UIGX है ये पहले डिजेबल रहेगा, आपको इसको इनेबल करना होगा, तभी जाके आपका जो Android 12 का एडिशनल फीचर है लाइक इसका लॉक स्क्रीन का इंटरफेस और इसका जो कंट्रोल सेंटर है उसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं पहले ही बताया, अगर आपको Android 12 एक्सपीरियंस करना है तभी इस ROM आप लोग फ्लैश करो। अगर आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना है इस ROM को बिल्कुल भी फ्लैश मत करो, बहुत सारे बग्स है इस टाइम क्योंकि ये फास्ट बिल्ड है, वो भी GSI ROM। जब इसका कस्टम ROM वगैरह आएगा तभी आप इसको स्टेबल तरीके से अपने फोन पर यूज कर सकते हो। जो पहला फीचर मिसिंग है इस ROM से वो है मेटेरियल यू। मेटेरियल यू क्या है आपको पता होगा, आप होम स्क्रीन पर जो वॉलपेपर यूज करोगे उसके अनुसार पूरा थीमिंग होगा, लाइक जो वॉलपेपर का कलर है उसके अनुसार आपका जो टाइल्स वगैरह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस ROM के अंदर मुझे वो देखने को नहीं मिला। आप चाहे तो इन कलर को मैनुअली चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, देन जाना है स्टाइल एंड वॉलपेपर पर स्टाइल, और इधर से आप कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकते हो क्रिएट पर आके। जो दूसरा चीज मिसिंग है वो है इसके डायलर पैड। डायलर पैड हमने देखा था कुछ iOS टाइप का हमें Android 12 पर देखने को मिलता है, लेकिन इस GSI ROM के अंदर आपको जो Android 10, 11 का डायलर पैड है, Google का डायलर पैड, वो ही देखने को मिलता है। ये सब छोड़कर आपको ऑलमोस्ट सभी Android 12 का फीचर इस GSI ROM के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जो कि इस ROM को फ्लैश करोगे
आपको ऐसा नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लॉक स्क्रीन एंड्रॉइड 10, 11 जैसा ही है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पैनल भी। तो एंड्रॉइड 12 जैसा कंट्रोल सेंटर और लॉक स्क्रीन के लिए आपको एक ऑप्शन ऑन करना होगा। आपको सिस्टम यूआई जीएक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर, आपको इसको ऑन कर देना है। देन आपके फोन में एंड्रॉइड 12 का कंट्रोल सेंटर और लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। आज तक इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो चलिए मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।